हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर और फॉन्ट, फॉन्ट में जाके फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो हम बेसिक नॉलेज आज सीखेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दिखती जाए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो मैं डालूँ आपको डेली बेसिस पे दिखती जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है, दो पैराग्राफ टाइप करके रख लिया है, राइटिंग किया है मैंने, और आपको इसी पैराग्राफ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, कट और कॉपी। अभी कट और कॉपी कब यूज होता है? सपोज मैंने कुछ टाइप किया होता है और मुझे वहां पे कट करके कहीं और पे पेस्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि अरे यार दूसरी जगह पे भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ये तो डिलीट करना पड़ेगा। पर नहीं, ये ऐसा नहीं करना है बिल्कुल गाइस। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कट करना है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल, कंट्रोल एक्स है इसका शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। कट करते हैं यहाँ पे, और अगर मुझे जहाँ पे सपोज मुझे नोट पैड में पेस्ट करना है, तो मैं नोट पैड लेती हूँ यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंट्रोल वी दबाऊंगी ना, देखिए पेस्ट हो गया। सेम था फॉन्ट, सॉरी सेम पैराग्राफ था, और यहाँ पे पेस्ट भी हो गया, इजिली पेस्ट हो गया। वैसे ही होता है कॉपी। यहाँ पे यहीं पे मैं पेस्ट कर देती हूँ अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। दूसरा टाइप आता है कॉपी। कॉपी क्या होता है? अभी मुझे ये जो है, ये जो मेरा पैराग्राफ है, मुझे कॉपी करके सेकंड पैराग्राफ में चाहिए, मतलब जो मैंने टाइप किया है वीडियो प्रोवाइड ऑफ द पावरफुल पे, उसके नीचे चाहिए, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और हमें जहाँ पे लेना रहेगा वहाँ पे हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो इंटर कर देंगे इसको। मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, इंटर करते हुए, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं वन बाय वन बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी भी कर लिया। अभी जो सेम था पैराग्राफ, यही पैराग्राफ था, मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, और इजीली हुआ। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कट का शॉर्टकट के कंट्रोल एक्स, कॉपी का है कंट्रोल सी, और पेस्ट का है कंट्रोल वी। ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि हमें हर एक सेक्टर में और हर एक दिन यूज़ होता है कॉपी पेस्ट, हर एक दिन यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो कॉपी पेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आते फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होता है, पहले हम यहाँ पे फॉन्ट है, वो फॉन्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट कर लेती हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया रहेगा गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वापस आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी यहाँ पे आती हूँ मैं फॉन्ट में। सपोज मेरा ये फॉन्ट है, सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है, जो काफ़ी सारे फॉन्ट दिए गए हैं, जो आपको फॉन्ट लेना रहेगा वहाँ से हम यहाँ से फॉन्ट ले लेंगे। देखिए काफ़ी टाइप के फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट लेना रहेगा हम वो फॉन्ट ले लेंगे। मुझे ये फॉन्ट पसंद है, मैंने ये ले लिया। अभी उसके बाद क्या है, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, मुझे इंक्रीज करना है, साइज को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, इंक्रीज करूँगी, और डिक्रीज मतलब मुझे घटाना है, तो मैं यहाँ पे साइज को डिक्रीज कर दूंगी। इंक्रीज और डिक्रीज का साइज है ये। उसके बाद आता है वर्ड्स ऑफ द कैप, सेंटेंस केसेस। सेंटेंस केसेस तुरंत, सेंटेंस केसेस में क्या आता है, लोअर केसेस, मतलब सारे वर्ड्स कैपिटल कैपिटल्स लोअर केसेस में रहेंगे, स्मॉल स्मॉल में रहेंगे सारे वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, और अभी लेना है मुझे, देखिए उसी के ऊपर आता है अपर केसेस, सारे वर्ड्स ना कैपिटल्स वर्ड में हो जाएंगे। देखिए सारे टेस्ट मेरे कैपिटल्स में हो गए। यहाँ पे आता है इच, कैपिटल इच वर्ड, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। पहला जो वर्ड रहेगा ना पहला, तो देखिए टेस्ट का पहला सारे वर्ड्स कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, और इसमें आ जाएंगे लास्ट वाले में है फर्स्ट कैपिटल रहेगा, बाकी फर्स्ट स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल्स रहेंगे, ये टाइप में यहाँ पे आ गए। पर हाँ, इसको हमें सेलेक्ट करेंगे तभी होगा, विदाउट सेलेक्ट किए नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी मैं लेती हूँ, यहाँ पे आती हूँ फॉर्मेट, यहाँ पे क्लीन द फॉर्मेटिंग। अगर मैं किसी को फॉर्मेटिंग दी हो ना, तो क्लीन हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिया, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ लास्ट में। यहाँ पे आएगा बोल्ड, जो बोल्ड करना रहेगा तो मैंने कर दिया, ये कंट्रोल वी है। टैलेंस करना रहेगा तो ये भी कर देंगे, कंट्रोल आई है। अंडरलाइन देना है तो दे सकते हैं, बहुत सारे अंडरलाइन से यहाँ पे जो आपको पसंद आएगा यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि हमारे कुछ कुछ वर्ड्स हम टाइप करते हैं ना, तो रॉन्ग हो जाता है, अब हम उसको डिलीट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कुछ होता है जो हमें सेंटेंस इंपॉर्टेंट होती है, तो हम पैराग्राफ सेट के हिसाब से नहीं डिलीट कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रिक्ट थॉट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो क्लिक करिए ना, तो ये वर्ड्स होते हैं, मतलब सामने वाले जो हमारे सीनियर है ना, उनको भी पता चल जाता है कि ये टाइप रॉन्ग किया है, इसके लिए उन्होंने कट कर दिया है। ठीक
ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसकी यूज करते हैं। यहाँ पे आया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है वो बता देती हूँ आपको। सपोज हम वाटर का फॉर्मूला लगाते हैं H2O, तो आज वाटर के फॉर्मूला में ना कभी भी ना टू जो आता है ना वो विलो में आता है। ये देखिए मैं इंक्रीज कर रही हूँ इसकी साइज ताकि आप लोग को दिख जाएगा इजीली। और सिर्फ हमें टू को सेलेक्ट करना है, मैंने टू को सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, विलो में आ गया। इसका कंट्रोल इज इक्वल टू है जो शॉर्टकट की आ गया। और सुपर स्क्रिप्ट का देख लीजिए क्या है। जैसे कि मैंने अभी 10th का एग्जाम दिया, ठीक है, एज एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। TH को सेलेक्ट कर देंगे और सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो ये देखिए TH आ गया, अपर्स में आ गए। तो ये दोनों फॉर दोनों जो है वो लग गया अच्छे से और दिखने में भी यूजफुल आ रहे हैं और यूज होते ही है हमेशा फोटो के फॉर्मूला और 10th के फॉर्मूला के लिए। तो इसलिए सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। डिलीट करती हूँ, भी आएगा हमारा दूसरा जो हमने फॉन्ट लिया था। फॉन्ट की साइज में थोड़े अच्छे वाले ले लेती हूँ, जैसे कि मुझे ये फॉन्ट बहुत पसंद है तो मैंने ये फॉन्ट लिया, साइज को इंक्रीज कर दिया। और यहाँ पे आ गया मेरा टेस्ट हाईलाइट कलर, जो हाईलाइट करता है मेरे कलर को, मैंने ये कलर ले लिया। टेस्ट कलर देना है तो मैं कोई भी कलर दे दूंगी, जैसे कि मैंने ये कलर ले लिया, इसको पहले मैं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे कलर दे दूंगी। देखिए अभी यहाँ तक तो पता हो गया। तो यहीं पे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे हमने छोड़ दिया था फॉर्मेट पेंटर, मैंने आपको बताया नहीं था, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगी। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और सी से क्या होता है, कॉपी होता है, कंट्रोल शिफ्ट और बी से फॉर्मेट पेंटर लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी क्या करना है मुझे, कॉपी करना है, कंट्रोल सी करती हूँ मैं, अभी शॉर्टकट की यूज़ नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी आपको, ठीक है। और फॉर्मेट पेंटर लगाना है तो मैं इस पैराग्राफ में मुझे लगाना है, तो यहाँ पे मैं छोड़ दूंगी, इजीली हो गया। देखा ये फॉर्मेट प्रिंटर लग गया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मैंने कोई फॉर्मेट फॉन्ट नहीं लिया था ना ही कलर लिया था, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आ पाता, इसलिए मैंने फॉर्मेट प्रिंटर लास्ट में बताया आपको। ये देखिए अब मैं मुझे क्या करना है ना, एक मैं हेडर फुटर आता है, अब मुझे इसकी सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, मतलब क्लियर करना है फॉर्मेटिंग, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे मैं इजीली क्लिक कर दूंगी। देखिए बस उसका जो कलर्स थे वो नहीं गए, वो भी कौन से कलर्स नहीं दिए गए, ये देखिए ये जो कलर्स थे टेस्ट हाईलाइट कलर नहीं जाते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे नो कलर करना पड़ता है। हो गया, इजीली हो गया। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। जो जो नहीं समझ में आ रहेगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि क्या नहीं समझ में आया, वो वापस मैं पैराग्राफ ले लूंगी। थैंक यू गाइज, आपका दिन शुभ हो।